नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए कि बेहतरीन वीडियो जिसके माध्यम से एक नायाब और एक नया और काफ़ी कमाल का बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत कम रुपए लगा करके 90% तक मुनाफा कमा सकती हैं। आप इस बिजनेस को 2000 रुपए लगा करके शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से यदि मैं आपको मुनाफे की बात करूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपया काफ़ी आसानी से कुछ टाइम बिजनेस करके आने वाले समय में कमा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस पे जो प्रोडक्ट हैं इस प्रोडक्ट की सेलिंग पर निर्भर करता है। इस बिजनेस में यदि आप इस प्रोडक्ट को सेल अच्छा करवा सकते हैं तो आप इस बिजनेस से हैं। तो कौन सा बिजनेस है और आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन सी मशीन आपको परचेज करनी होगी, कहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों जो हम आज इस वीडियो के अंदर जो बिजनेस की बात करने वाले हैं वो बिजनेस है स्क्रैप पैड मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, स्क्रैप पैड बिजनेस बहुत कमाल का बिजनेस है, आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको भी पता होगा कि मार्केट में स्क्रैप पैड की मांग है जो कितनी ज़्यादा है और हर एक घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस को कितना स्कोप है, कि ज़्यादा मुनाफा आप यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप भी जानते होंगे कि स्क्रैप पैड यानी बर्तन मंजने वाला जो ब्रश है वो सभी घरों के अंदर यूज होता है और काफ़ी ज़रूरी वाला प्रोडक्ट है। इसमें जो मशीन यूज होगी हमें कहाँ से लेनी है और कैसे लेना है, इस मशीन को दोस्तों कहाँ से हमें परचेज करना है, ये हम सब आपको बताएंगे। यदि आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस मशीन को अमेजोन से ले सकते हो। दोस्तों जो ये आप मशीन देख रहे हैं ये मशीन सीलिंग पैकेज वाली मशीन है, ये पैकेट को सील करने वाली मशीन है। दोस्तों जो हम स्क्रैप पैड बनाएंगे उसके अंदर उसके जो पैकेट होंगे उसको ये सील करेगी। दोस्तों जो ये मशीन है इसकी कॉस्ट 800 से लेकर 1200 रुपये तक और आप 1500 रुपये तक इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि इस मशीन का क्या काम है, तो इस मशीन का काम है जो आप प्रोडक्ट रहेगा जिस भी पैकेट या पॉलिथीन के अंदर होगा तो इस पैकेट को सील करने के काम मशीन करेगी। यदि आप छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आप इससे आसानी से अपने काम को कर सकते हो। दोस्तों यदि आप इसे बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को 1 से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं आपको बड़े लेवल के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों यदि आप बिगनर हो, बिजनेस को पहली बार शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको रुकमेल नहीं करूंगा कि आप बड़ा मशीन लेकर आओ। आप छोटी मशीन सीलिंग मशीन ले लो, अमेजोन से बाय कर लो, 1000 से 1200 के और 1500 तक आप आसानी से किसे खरीद सकते हैं। आपको ये मशीन अलग अलग वैरायटी में मिल जाएगी। इसके बाद आप स्क्रैप का जो रॉ मटेरियल है वो आपको होगा, वो आप कहाँ से लोगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं indiamarket.com है एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं स्क्रैप indiamart.com में जाकर इसमें सारे सप्लायर मिल जाएंगे, जिन सप्लायर से आप बात करके आप रॉ मटेरियल आसानी से खरीद सकते हैं, आप वहां पे खुद भी ले के आ सकते हो। दोस्तों अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप सप्लायर को कॉन्टैक्ट करके आप अपना घर का एड्रेस उसे बताइए और आप आसानी से अपने घर पे ही इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। दोस्तों जो डिलीवर का जो चार्ज होगा वो आपको ही पे करना होगा। तो आपके जाना है रॉ मटेरियल के लिए स्क्रैप पैड सप्लायर लिंक को सर्च करना है। इसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू करोगे तो जब आप इस प्रोडक्ट को बनाओगे आपको पॉलिथीन पैकेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको आप मार्केट से कलर पैकेट छपवा सकते। यदि आपके पास कंपनी है रजिस्टर करवा रखी है तो आप उस पैकेट पर अपनी कंपनी का लोगो है या ब्रांड नेम है तो लगवा सकते हो। इसके बाद आप स्क्रैप पैड के अंदर डाल के सेलिंग कर सकते हो और सीधा मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट को सेल होलसेलर को टारगेट कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप ज़्यादा कमाई करना चाहते हो तो आप अपने आसपास के गांव में भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप सोच रहे हो बिजनेस करना तो आप इस बिजनेस में लो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा कमा सकते हो। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें बताइए। आप कोई नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। और
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।